आपकी इयररिंग मेरे कार में ही रह गई थी। I think I should leave. Yeah, yeah, you should. तो कल रात आप इनसे लिफ्ट लेकर आई, एक सुनसान सड़क पर रात में एक अजनबी से आपने लिफ्ट ली, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं नहीं मिस्टर खान, मेरा मतलब हाँ नहीं नहीं खड़ी खड़ी क्या सोच रही हूँ, मेरा बैठ, चलो नाश्ता शुरू करो, आओ। मम्मी बाकी सब लोग उनको आने दीजिए ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी सबको दवाई नहीं खानी है, आजा। पता है ना तुम्हारे वक्त पर खाना कितना जरूरी है, वो लोग सब आ जाएंगे, तुम ऐसा करो ये शुरू करो। अरे मैं फल लाना भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। ये हुमैरा क्या कर रही है, उसे तो मसालेदार चीजें खाना मना है। और ये हुमैरा ये क्या कर रही है, आप छोड़िए उसे। हुमैरा लाइए प्लेट, लाइए छोड़ी, मेरा क्या ये, मेरा छोड़िए प्लीज, छोड़िए, क्या कर रही हैं आप ये? आप जानती हैं आपको मसालेदार खाना मना है, आपको आपको पता है क्या हो सकता है इससे? चाहे जो भी हो, आपकी शक्ल देखने से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। और मैंने आपसे कहा था ना मुझसे दूर रहिए, आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो, वैसे क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? इंसान तभी करता है जब वो किसी से मोहब्बत करता हो, जान पहचान लोगों के लिए नहीं। अब ऐसे एंग्री यंग मैन वाले लुक मत दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है कि मैंने आपसे बात छुपाई, बट ट्रस्ट मी, आपके एग्जैक्टली इसी रिएक्शन के डर से मैंने आपको नहीं बताया। तो मैं और कैसे रिएक्ट करूँ मिस फारूकी, आपने एक अजनबी से लिफ्ट ली। मिस्टर खान वो एक सुनसान सड़क थी, मैं अकेली वहां कितनी देर तक खड़ी रही, वहां पे कोई नहीं आ रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था, जैसे ही आया मैंने इसे लिफ्ट ले ली ताकि मैं सही सलामत घर पहुंच सकूं, ये मुझे डिसेंट लग रहा था। और इंसान जैसा लगता है वैसा ही होता है ना? नो आई एग्री, हमेशा ऐसा नहीं होता, पर इस केस में तो है ना मिस्टर खान, देखिए उसने मुझे सही सलामत घर ड्रॉप कर दिया। मिस फारूकी आपके जजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो शख्स सही नहीं। अरे वाह, आपने उसे एक बार देखा और आपको पता चल गया कि वो ठीक नहीं है, और वैसे भी हम उसके बारे में ये वो करके बात क्यों कर रहे हैं? राजवीर नाम है उसका। उसका नाम जो कुछ भी हो वो इंसान ठीक नहीं है। यू नो व्हाट मिस्टर खान, आप ओवर रिएक्शन के किंग बनते जा रहे हैं, हर बात पे ऐसे रिएक्ट करते हैं लाउड सा। एक तो मुझे छोड़ के गया, बजाय उसको थैंक यू बोलने के उस पे शक कर रहे हैं आप।
अच्छी बात नहीं है ये। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं? मिस्टर खान, मैं अच्छे से समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हर टाइम बाहर जाते वक्त मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक आजाद कंट्री है और मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ बिना किसी प्रोटेक्शन के। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैन? नाराज होने का तो बहाना चाहिए इन्हें, जब देखो मुंह उठा के गुस्सा करते रहते। इतना डिसेंट आदमी था, एक तो मुझे सही सलामत छोड़ के गया, शुक्रिया तो क्या ही करना, नाराज होके चले गए। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती, जो सोचना सोचते रहे। कहां का इंसाफ है ये? नाराज मुझसे और सजा खुद को दे दी है। ये तो हुमैरा का कमरा है। मैंने आपसे कहा ना मुझसे दूर रहिए, फिर अब क्या लेने आए हो? मैं लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। अपनी दवाइयां लेनी भी छोड़ दी आपने? ये मेरी जिंदगी, मुझे इस पे पूरा हक है, मैं चाहे दवाई लूं या ना लूं, अब कौन होते इंटरफेयर करने वाले? मेरा आप हद से आगे बढ़ रही हैं, अपना अपना ख्याल रख रही हैं, बदपरहेजी कर रही हैं और अपनी दवाइयों को ऐसे खिड़की से बाहर फेंक रही हैं। और ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा हाथ छोड़िए। आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ऐसे भी हाथ छोड़ना तो आपको अच्छी तरह से आता है। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं जा रहे तो मैं खुद जा रही हूं। मैं देखता हूँ कैसे जाएंगे, मैं आपका पीछा ही नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप खुद को चोट पहुंचाए हो। मेरा चोट पहुंचाने का काम तो आपका है, आपको तकलीफ हो रही है क्या? आपका काम मैं खुद कर रही हूँ। आपकी ये फालतू की बातों का टाइम नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको खुद पर ऐसे जुल्म नहीं करने दूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। नहीं, जो चाहे कुछ भी करूं मतलब क्या होता है? ये सब क्यों कर रही हैं आप? क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये क्या हो रहा है अयान? ओ मेरा, अभी मुझे सब पता चल गया है। मैंने आपकी सारी बातें सुनी है कि मेरे दिल में सुराग है। क्या? मेरा दिल तो पहले से ही जख्मी है, आपने खामखा तकलीफ उठाई। अम्मी, एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेना सरासर बेवकूफी है, और गलती उन्होंने की, और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। असद, अब तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुम शौहर बनने वाले हो। तुम्हें पता है अच्छा शौहर कौन होता है?
अच्छा शौहर वो होता है जो अगर खुद की गलती हो ना तो माफी मांग ले, और अगर बीवी की गलती हो तो भी माफी मांग ले। ओफो, देखो तो जरा, कल ही झगड़ा खत्म हुआ है, आज फिर नाराज हो गए बेचारी से। अम्मी वो बेचारी नहीं है। जो कुछ भी हो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ओफो, पता नहीं क्या सोच रही होगी बेचारी। अम्मी आप प्लीज उसे बेचारी कहना बंद करेंगे। और तुम प्लीज मेरे साथ बहस करना बंद करोगे। बस कुछ नहीं करना, जाके माफी मांगनी है। अम्मी असर, अम्मी असर, अम्मी नहीं, चलो जो आओ। उसका ख्याल रखा जा सकता है, समझाइए ना इसे। नीचे नीचे रख बेटा इसको, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत लंबी उम्र है तेरी बेटा, ऐसा मत कर। लंबी उम्र का मैं क्या करूँ अभी, जीने की कोई वजह ही नहीं बाकी है। मेरा काम डाउन, ये सब ये नीचे रखिए। मेरा बेटा छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा एक मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप जाइए यहाँ से। मेरा मैं बोल रही हूँ, आप सब जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं मार डालूँगी। मेरा वेट, आप जाइए। मेरा तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, तू जो कहेगी हम करेंगे। चाकू चाकू छोड़ ना, बता क्या चाहिए, क्या चाहिए। चला गया हूँ मेरा, अब चाकू फेंक दीजिए। चाकू छोड़ ना बेटा। सब ठीक हो जाएगा, चल आ जाओ कमरे में, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा ऐसे करते हैं क्या? जोया, आपके लिए बुके आया है। मेरे लिए बुके? या शो मी, हाउ प्रिटी, वेट नोट भी है। सुबह मैं आपके घर आया, शायद मेरी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आप जैसी खूबसूरत लड़की को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, आई वुड हेट दैट। आई एम सॉरी राजवीर। या अल्लाह, कितना नेक लड़का है, छोटी सी बात के लिए सॉरी बोल रहा है। मिस्टर खान को तो लगता है सब बुरे ही हैं, सब पे शक करने की आदत है उन्हें। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये देखो कैसा है, देखो कितना शरीफ और नेक आदमी। शरीफ आदमी है वो मिस्टर खान, क्योंकि उसने आपको फूल भेजे हैं, वो शरीफ है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, नहीं प्लीज लेट मी नॉट डिस्टर्ब यू। आप मिस्टर राजवीर की शान में कसीदे पढ़िए, मैं साथ। अरे ये देखो नजवा ने पसंद की है इमरान के लिए। मैं तो कहती हूं एक छोटी सी सगाई की सेरेमनी हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है।
की बात नजर कहे तो नजर तो ठहरी झूठी, दिल की बात नजर कहे तो नजर तो ठहरी झूठी, दिल की बात कहेगी जाके अंगूठे की सिस्टर अंगूठी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो कैसी लगी? Absolutely below average, as usual. मैं शायरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिंग की बात कर रही हूँ। टमाटर तुम्हें पसंद है? जी। बस एक बार ये रिंग इमरान को दिखा दो और देख लो कि उसे अच्छी लगी कि नहीं। ओके भाईजान। कोई जरूरत नहीं है टमाटर। ये रिंग तुम अपनी तरफ से अपनी पसंद से इमरान को दे रही हो ना, तुम्हारी पसंद नापसंद इंपॉर्टेंस रखती है। हर बात अपने पार्टनर से पूछ के करना कोई जरूरी नहीं है, समझी? छोटी बच्ची नहीं हो तो। रिश्ता तभी वर्क करता है जब दोनों पार्टनर बराबरी पे हो। बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। बराबरी का मतलब होता है कि दोनों साथ में चलें। और अगर दूसरे इंसान को बता दिया जाए तो उसमें कुछ बुराई नहीं। बात बुराई की नहीं हो रही है, बात हो रही है छोटी छोटी बात पूछ के करने की। एक रिंग खरीदी है तुमने, कोई जंग लड़ने नहीं जा रही हो। और जरूरी नहीं है हर बात को रबर की तरह खींचा जाए। टमाटर एक बार पूछ लोगी तो बेहतर होगा, गलतियां कम होंगी। गलती तब सुधारी जाए जब किसी ने गलती की हो, जब किसी ने गलती नहीं की तो सुधारेगा क्या? इट्स ओके। कईयों की फितरत में होता है हर चीज में प्रॉब्लम निकालना, गलतियां निकालना। कईयों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही समझदार है, बाकी सब बेवकूफ है। उन्हें हर चीज से शिकायत होती है। बस अब और कोई झगड़ा नहीं होगा। बस मैं कहां झगड़ा कर रही हूँ फूफी, मैं तो वैसे नजमा को समझा रही हूँ। मैं मिस फारूकी से झगड़ नहीं रहा था, मैं टमाटर से बात कर रहा था। और वैसे भी मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। Exactly. जब बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से तो झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फूफी। और मिस्टर खान से बात करने का तो मुझे कोई शौक ही नहीं है। जहर है, पी लो। जान देने का बहुत शौक है ना, तो लो पियो। हलक से उतरते ही जान चली जाएगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लो ना पियो। सही नाम रखा है मैंने, अकड़ू अहमद खान। सच में जहां बना वाली फीलिंग ले रहे हैं यार, मुझसे बात नहीं करेंगे? ये कौन होते हैं मुझसे बात ना करने वाले? मैं ही बात नहीं करूंगी। मैं कौन सा मरे जा रही हूं? मैं तो वैसे ही इतना चुप रहती हूं। कैसे च्युइंगम की तरह बात को खींच रहे हैं, बात को खत्म कर दें। रिएक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे इंसान की पहचान सिर्फ इन्हें है। मैं तो बेवकूफ हूं। हाय हाउ आर यू राजवीर। सी कितना नेक और केयरिंग इंसान है, अब भी हालचाल पूछ रहे हैं। और इन्हें ऐसे लगता है कि इनसे बेहतर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। I'm fine. आप कैसे हैं? खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। मतलब खिड़की से बाहर देखिए।